नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्तां में और मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। आज कोढ़ा प्रखंड के नक्कीपुर गांव में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाला गया जिसमें कुल 107 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बताते चलें कि मिली जानकारी के अनुसार यह कलश यात्रा एक बच्चे को सपनौती विद्या के बदौलत विभिन्न देवी देवताओं उनके शरीर पर आते हैं इसलिए निकाला गया। बच्चे का उम्र लगभग 8 वर्ष बताया जा रहा है और यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। इसे विश्वास कहें या अंधविश्वास, ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम या हमारी चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करती है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जो कहा गया वाकई में आश्चर्यजनक है। विशेष जानकारी के लिए खबरों के अंत तक बने रहें। सूरज कुमार सिंह के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। सर, अभी जो कलश शोभा यात्रा निकला हुआ है, किस जगह और किस चीज को लेकर सर यह शोभा यात्रा निकाला गया है? नक्कीपुर नया टोला का निकला है, माता भगवती जी का। क्या मतलब माता भगवती का, नहीं समझे, किस उपलक्ष्य में? सर, सपनौती आया था, इसी पटकर में निकला है और हम लोग कहाँ तक वॉक किए। जी आज के डेट में जी, यह विश्वास है या अंधविश्वास है? अंधविश्वास भी है, विश्वास भी है और सपनौती है। जी और हम लोग जहाँ तक कहा सक्षम कर रहे हैं। तो यहाँ से सर किसी को लाभ? लाभ देखिए, इसमें लाभ भी नहीं, लाभ का मतलब ये है जैसे कि इस स्थान पे श्रद्धा भाव से लोग श्रद्धालु आते हैं तो क्या उसका मनोकामना पूर्ण होता दिख रहा है? होता है जी। तो सर अपना परिचय बता दीजिए। अरविंद कुमार नक्कीपुर घर है। जी और ये जो भगवती आता है वो किनके देह पे आता है? छोटा सा बालक है, इतना 8 साल उम्र होगा, उन्हीं का देह पे आता है। नाम उसका सर क्या है? नाम क्या है? अजीत कुमार। क्या नाम है? अजीत कुमार। अजीत कुमार नाम है, छोटा सा बालक। और उनके पिताजी का? गोल्डन नाम है। और कौन से जगह में वो देवता है? नक्कीपुर नया टोला, वहाँ जगह का नाम है। प्रखंड प्रखंड जिला जिला